तरह सफाई कर्मी ट्रैक्टर लेके पूरा जाम किए हुआ है, पूरा धरना पर सब बैठा हुआ है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गिटियो तेरी मनमानी नहीं चलेगी। ये गिटियो है, हाय ये गिटियो है, हाय ये गिटियो पे फायर करो, फायर करो, फायर करो। ये गिटियो तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम जिला परिवहन कार्यालय आए हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं सफाई कर्मी धरना पर बैठे हुए हैं। उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, मारपीट किया है पदाधिकारी डीटीओ, और आपको दिखाते हैं। अगर माफ़ी नहीं मांगने पे जितना कचरा है वो जिला परिवहन के आगे में डाल दिया जाएगा और इसके बाद हड़ताल कायम रहेगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं दृश्य। बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि और इससे पहले भी होते रहा है, कई बार हुआ है उनके साथ ऐसा। तो मतलब और किसी बड़े पदाधिकारी के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो छोटे छोटे लोग भी तो उनको देख के, छोटे छोटे जो हमारे पदाधिकारी हैं या स्टाफ्स हैं और भी और अन्य डिपार्टमेंट के, तो उन लोगों का तो मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ता है। और इसलिए जो है आज ये धरना किया गया है कि इस पर जो है कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इनका चरम पे पहुँच गया है डीटीओ साहब का। तो आगे क्या होगा? ये हरदम जो सफाई कर्मी मार खाते रहेगा, कैसे इसका होगा रुकावट? बेचारा 8,000-7,000 महीना लेता है, जल्ला जूता गाली बात सुनते रहता है, कैसे होगा इस पर निदान, कैसे होगा? ये तो मान लीजिए बड़े पदाधिकारी इसका जवाब देंगे, उनकी जवाब दे, ये सबसे बड़ी बात है कि आप न सबसे बॉटम पे जो है उनको कुछ समझते हैं। नगर का सबसे टॉप पे बैठे हुए हम नगर चेयरमैन है, हमको भी तो आप वैसा ही बना के रखें। आपके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि कौन है नगर सभापति, चाहे वो कौन है। पिछले कुछ दिनों पहले टाउन थाना की पुलिस बोल रही थी, हम लाइन पे थे, हम बात करना चाह रहे थे, बोलते हम नहीं बात करेंगे, कौन है चेयरमैन, चेयरमैन क्या होता है, हमको समझाएगी। उसका रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है, जी जी, आपको बताते हैं कितना मतलब मनोबल बढ़ा हुआ है इन लोगों का कि आप नगर का पहला नागरिक, आपके यहाँ इतना मुख्यालय है तो आपके यहाँ हमारे से बहुत बड़े बड़े पद के लोग हैं, हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी है, लेकिन उसके बावजूद नगर का प्रथम नागरिक चेयरमैन होता है, सबसे पहला नाम सभापति का होता है, और उसके साथ इस तरह से बदतमीजी से बोला जाता है कि चेयरमैन कौन है। तो देखता है कि हमारे बड़े पदाधिकारी ही चेयरमैन को चेयरमैन नहीं समझते, जी जी, तो कहीं ना कहीं वो उसके संरक्षण में बोलते हैं, और नहीं तो उसको इतना हिम्मत थोड़ी हो जाएगा कि वो इस तरह से बोलेंगे। हमारे पास सर अभी जैसा बता रहे थे कि मतलब शिक्षा विभाग से लेके हर एक विभाग का कंप्लेन हमारे पास आता है। हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ सभी पदाधिकारी से बहुत समझदार हमारे यहाँ के जनता है, जिनको ये पता है कि चेयरमैन से ज़्यादा हमारे नगर में है, तो चेयरमैन के थ्रू हमारा हर काम होगा, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, परिवहन विभाग का हो, जिला विभाग का हो, जो भी डिपार्टमेंट का हो, ब्लॉक का हो, सर्किल का हो, काम होगा। तो बहुत समझदार आप लोगों से हमारी जनता है, जो ये जानेगी कोई भी डिपार्टमेंट का काम हो लेकिन आपसे बाहर नहीं जाएगा। और आपके द्वारा ये बोला जाता है कि चेयरमैन है तो क्या प्रतिनिधि है, तो क्या प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो गुलशन आप ही का नाम है, कैसे कैसे हुआ? कैसे कैसे हुआ सर, फोन के सर के साथ गए, जी जी सर थे फोर व्हीलर से, क्या क्या बोले सर? सर जो बोले कि जो 8,000 का कमाता है उसको आप 2,500 का चलान करते हैं सर, और नगर परिषद का जो डेली सुबह से लेकर 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक साफ सफाई करता है, अगर उसके साथ अगर इस तरह से कीजिएगा तो कहाँ का नाइंसाफी है सर, कहाँ तक है? तो कोई सुनवाई नहीं किया? वो बमक गए जो है डीटीओ साहब, बमक है कि हमारे नगर परिषद के साथ जो भी कर्मी हैं, जो भी स्टाफ हैं, जो भी सुपरवाइजर हैं, उनका जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जान लीजिए। कारण है हम लोग उन्हीं पे हैं, हम लोग जब इज्जत से पेशाते हैं तो आप भाई वो भी इंसान है ना, वो भी इंसान है, डीटीओ भी इंसान है, तो इंसानियत के परिचय आप दीजिएगा कि वहाँ जो है मतलब नहीं होता है रंगबाजी की तरह। एक तो अवैध असूली से फुर्सत नहीं है इनको, अवैध करने असूली से फुर्सत नहीं है इनको, अपने रहेंगे 500 मीटर आगे, गाड़ी 4 को भेज देंगे, चमचा को, जलाल को जो है 500 मीटर आगे, अपने 500 मीटर पीछे रहेंगे। अगर सुलझ गया पैसा देख तो ठीक है, नहीं सुलझा तो जाइए डीटीओ साहब के पास जाइए, ये मामला है जी, ये मामला है। चलिए ठीक है, हर दिन देखते हैं और हर दिन जो है शिकायत आते रहता है, मेरे वार्ड से भी आते रहता है, शिकायत यहाँ पकड़ लिया गाड़ी, वहाँ पकड़ लिया गाड़ी,
हेलमेट नहीं है भाई। लोकल में जो है जितना भी चल रहा है, मान के लिए आप जाइएगा सब्जी खरीदने के लिए हेलमेट लगा के जाइए, जाइएगा अथी कुछ भी खरीदने के लिए जूता पहन के जाइए भाई। आप जो है 100 मीटर मार्केट है आपका, 100 मीटर पे घर है आपका, तो अगर जूता पहन के आएगा हेलमेट लगा कर ले आएगा कितना वक्त आएगा, दिन में 50 बार लोगों का आने जाने का रहता है। पूरा देख रहे हैं, पूरा सफाई कर्मी के साथ बैठे हुए हैं। मेरा सुपरवाइजर गुलशन है, वार्ड में सुपरवाइजर काम करता है। जी जी। सवेरे कॉल किया कि सर पेट्रोल गाड़ी का खत्म हो गया था, भरवाने आए हैं और हमको यहाँ पुलिस पकड़ लिया। हम बोले काहे पकड़ा है, हेलमेट नहीं है, तो बोले बात कराओ किन्हीं से। वो बहुत प्रयास किया, बात कोई नहीं किया। अंतिम पर बोला कि सर DTO साहब पकड़े, हम बोले DTO साहब से बात करा दो हमको। DTO साहब शायद बोले कि कोई प्रधानमंत्री से बात करें, किसी से बात करें। फिर ये 2 मिनट के बाद हमको कॉल किया कि सर चलान 2500 रुपया काट दिया। फिर हम बोले ठीक है रुको हम आ रहे हैं। वहाँ जाने के बाद हम सब आदमी बोले काहे चलान काट दिए, गलत बात है, ये सुपरवाइजर है 8-8 घंटे हेलमेट लगा काम करेगा वार्ड में क्या। उसके बाद DTO साहब जब पूछने गए कि सर आप चलान काट दिए हैं, आप ही बता दीजिए कि 8000 इसका 9000 सैलरी है और आप 2500 चलान काट दिए हैं और 9-9 घंटा वार्ड में हेलमेट लगा के ये काम करेगा, तो वो एकदम इतना अभद्र तरीका से बोलने लगे कि तुम हमको नियम पढ़ाएगा, तुम हमको कानून पढ़ाएगा, एकदम पूरे एकदम गाली गलौज पे उतर आए। बस यही मैटर है और उसी के लेके हम लोग यहाँ बैठे हैं। जब तक उस बहस DTO पर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और पूरे नगर का साफ सफाई। शिक्षक नेता मनीष कुमार सिंह बात करते हैं। देखिए भाई आप भी धरना बैठे हुए हैं, आपका क्या मामला है? हम उसे सुपरवाइजर के समर्थन में बैठे हुए हैं, सुपरवाइजर और जो नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि हैं इनकी मांग जायज है और जायज इसलिए है क्योंकि जब बात करवाने के लिए ये बोले कि चेयरमैन बात करना चाहते हैं बात करवा दो, वो जब बात बोला जाके सुपरवाइजर बोला DTO साहब को कि चेयरमैन बात करना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम किसी से बात नहीं करें, प्रधानमंत्री है क्या? तो DTO साहब को हम ये समझाना चाहते हैं कि नगर परिषद का चेयरमैन नगर परिषद के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ही चार्ज लेके बैठते हैं, ये बात उनको समझना चाहिए और कम से कम इज्जत से बात करनी चाहिए। कभी कह देगा थाना प्रभारी से बात करना चाहेंगे, 100 तरह के लोग 100 तरह की समस्या लेकर के सभी डिपार्टमेंट की समस्या लेकर के चेयरमैन के पास जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो मैं आपके माध्यम से तमाम विभाग के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि कम से कम जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए अध्यक्ष हैं वार्ड पार्षद हैं अगर वो बात ही करना चाहते हैं तो एक लाइन बात करने में कोई दिक्कत नहीं, आप नियम संगत काम ही करिए लेकिन बात करिए, इस तरह से जो है नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करें। दूसरी बात कि ये जो वार्ड गुलशन कैसे सुपरवाइजर कैसे काम करेगा, टैक्स कलेक्टर जो हर घर के एक घर के बाद एक घर जाना पड़ता है उसको टैक्स कलेक्शन के लिए, वो कैसे काम करेगा? उसको बाइक की जरूरत होती है, 3-4 वार्ड में घूम घूम करके काम करता है, कैसे करेगा? इमरजेंसी में उसको दो दो स्वीपर को एक साथ बैठा के ले जाना पड़ता है, इमरजेंसी चीज देखना सेवा देखना पड़ता है, ये कैसे करेगा? इसका जवाब हम संबंधित पदाधिकारी देना चाहते हैं। और दूसरा जवाब यह चाहते हैं कि जो हमारे कर्मी हैं क्या उनके माँ बहन का इज्जत है कि नहीं? वो जो गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, किसी के ऊपर हाथ चला देते हैं, तो ये नहीं चलेगा। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम इन कर्मियों के साथ हैं। पूरे शहर का साफ सफाई भी बंद रहेगा और जरूरत पड़ी तो पूरा जो नगर का जो कूड़ा का डंपिंग जोन है इसी DTO ऑफिस को हम लोग बनाएंगे, नहीं तो बढ़िया पदाधिकारी इसमें पहल करें और उस कर्मी के ऊपर FIR करते हुए कार्रवाई करें। सफाई कर्मी जो मरता है इस पर विचार करते हैं? 15 साल से आप काम कर रहे हैं इसमें। देखिए पहली घटना जी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से संबंधित पदाधिकारी को बता देना चाहते हैं कि भाई नगर परिषद जो है ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये अपने आप में सरकार है और ये कितना बड़ा लाइबिलिटी और कितना बड़ा काम लेके साफ सफाई के लिए जो है नगर परिषद का दायित्व अलग अलग तरीका से होते रहता है, तो ऐसे स्थिति में अगर आप हमारे कर्मी का सम्मान नहीं करिएगा, कर्मियों के साथ जो है इस तरह से व्यवहार होगा और उसके बाद यदि हमारे जनप्रतिनिधि आपसे बात करेंगे आप मिसबिहेव कीजिएगा। इस संविधान में आप बताइए कि संविधान के तहत आपको भी पावर दिया गया है, संविधान के तहत हमको भी पावर दिया गया है, अगर आप गाली गलौज अख्तियार करिएगा या आप अपने पद का दुरुपयोग कीजिएगा तो ऐसी स्थिति तो होगी ही, फिर आपका भी सम्मान नहीं रहेगा, फिर आपकी भी बात को नहीं सुनी जाएगी। जब आप अपने जगह आप अपना पावर दिखा सकते हैं तो हम भी आपको दिखा सकते हैं, जिस दिन आपके घर में हो ऑफिस में हो
आप फोन करते हैं कि हमारे यहाँ साफ सफाई उस दिन आपके यहाँ कोई किसी तरह का सफाई नहीं होगा, किसी तरह का जो है हमारे अंदर जो पावर है वो आपको दिखा दिया जाएगा। लेकिन आप जो गलती किए हैं हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे सभापति प्रतिनिधि के साथ जो मिसबिहेव किए हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपके चैनल से मांग करते हैं कि अविलंब आके इसका समाधान करें, माफी मांगे और इस समस्या का जो है वो दूर करने का प्रयास। क्या देख रहे हैं, हल्ला सुन रहे हैं कि मारपीट होता है, प्रशासन मारते हैं सबको, कर्मचारी सबको। हमारे नगर परिषद क्षेत्र का सबसे निम्न स्तर का लोग मानते हैं कर्मचारी, और उन्हीं के वजह से हमारा नगर परिषद का एक कोना कोना सफाई कर्मी एक स्वच्छ वातावरण देते हैं, और अगर एक दिन वो हड़ताल कर दे तो पूरे नगर परिषद का स्थिति गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन पुलिस के द्वारा हमेशा और डीटीओ साहब के द्वारा उनको मारा गया और गाली गलौज दिया गया, जो कि कहीं से उचित नहीं है, और उन पे उचित कार्रवाई तो क्या होना चाहिए, उचित कार्रवाई किया जाए। अगर नहीं करेगा तब हम लोग बिल्कुल उसके खिलाफ में धरना पे बैठे रहेंगे, जब तक उनको उचित कार्रवाई नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग। अच्छा, आप ही का नाम है ये सब कर्मचारी, अपने क्षेत्र का है क्या? नगर परिषद। ओ, नगर परिषद क्षेत्र का है, कितना जुलुम हो रहा है इस पे। अमानवीय है, दुर्व्यवहार किया गया हमारे, सबसे पहले तो सुपरवाइजर है सफाई कर्मी के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद सभापति प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो गलत बात है ना। नगर परिषद सफाई कर्मी नहीं रहेगी तो इस शहर का तो चक्का जाम हो जाएगा, हर घर तो इन्हीं से चलता है। जब तक तो ये लोग काम पे नहीं जाएंगे, इनका सुचारू रूप से ढंग काम नहीं चलेगा तो फिर कैसे चलेगा। ये जो दुर्व्यवहार है इसके लिए जिला प्रशासन या जो है उनसे मांग करते हैं कि इन पे आए, वो माफ़ी मांगे और इनका जो है हड़ताल तोड़वाए। क्या नाम है भाई? सन्नी चंद्रवंशी। क्या है आप? वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 24। ये क्या हो रहा है आपका वार्ड का? ये जो हमारे सफाई कर्मी के साथ और हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि के साथ जो संबंधित पदाधिकारी है जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए डीटीओ साहब ने जो अमानवीय व्यवहार जो करने का काम किया है, उन्हीं के खिलाफ हम लोग सारे सफाई कर्मी जनप्रतिनिधि धरना पे बैठे हुए हैं। न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होने तक हम लोग धरना पे बैठे बोल यार, बोलो जोर से, हेलो ना बोलो। के ऊपर एफआईआर दर्ज करना होगा। बोलो हाय हाय।